हेलो फ्रेंड्स, रायन टूर वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है गुवाहाटी टू जोरहाट। जैसे मैंने वादा किया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि मैं आप लोगों को गुवाहाटी से जोरहाट का वीडियो दिखाऊंगा, तो उसी वीडियो को आज शुरू करने वाला हूं मैं। बने रहिएगा आखिर तक, मजा आने वाला है। गुवाहाटी से जोरहाट का डिस्टेंस है 306 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस अगर आप रोड से जाते हो अपनी गाड़ी लेके, तो 7 से 8 घंटा लगता है। और फ्लाइट से जाने से इसका थोड़ा कम लगेगा। रोड भी बढ़िया है, थोड़ा बहुत कहीं भी अभी चल रहा है रोड का कंस्ट्रक्शन का काम, वो भी आने वाले 2-4 महीने में शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन रोड ठीक ही है। और ये हम लोग अभी पहुंच चुके हैं गुवाहाटी से। आपका पहला टोल गेट है ये सोनापुर में, सोनापुर वाला टोल गेट है ये, अभी टोल देना है। और एक मिलेगा हम लोग को रोहा पे, रोहा को क्रॉस करके और एक टोल गेट बन रहा है, वो अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये सोनापुर वाला टोल गेट पे आपको अगर आपका फास्टैग है तो इसमें लगेगा आपको 115 रुपये। और अगर टोल गेट आपका फास्टैग नहीं है तो इसमें लगेगा आपको 250 से ऊपर। और रिटर्न आने में अगर सेम डे रिटर्न आते हो तो आप उस नेक्स्ट टाइम आपको 60 रुपीज़ या 40 रुपीज़ ऐसा कुछ लगता है। तो फास्टैग में बहुत कम है, लेकिन अगर कैश देते हो तो आपको 300 से ऊपर चला जाएगा, 500 से ऊपर चला जाएगा। और सेम वो रोहा में भी ऐसा ही है, रोहा में आपका शायद 110 है। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं तेतेलिया, और यहाँ से नौगांव 90 किलोमीटर और तेजपुर 147 किलोमीटर है। अभी हम लोग खेतरी क्रॉस करके, टोपातुली क्रॉस करके हम लोग को मिलने वाला है जागी रोड। ये टोपातुली हो गया, इसको क्रॉस करके हम लोग को मिलेगा जागी रोड। जागी रोड एक अच्छा ही सिटी है, सिटी मतलब एक छोटा सा कस्बा है ये। ये सामने हम लोग को मिल गया जागी रोड, जागी रोड टाउन। जागी रोड टाउन से अगर बाएं तरफ लेंगे तो मोरीगांव, और सीधा नौगांव जोरहाट डिब्रूगढ़ तिनसुकिया, सब ये हाईवे पे है। और जागी रोड क्रॉस करके हमको मिलेगा नेली। हम लोग जब जा रहे हैं, इसका राइट साइड में है आपका ये जागी रोड पेपर मिल। अभी तो है नहीं, बंद हो गया इसका, इसका चैप्टर क्लोज हो गया पेपर मिल का। सामने हम लोग को नीली मिलने वाला है। लोकेशन बहुत खूबसूरत है ना। अभी हम लोग को मिलेगा हिताजोखोला। हिताजोखोला एक्चुअली ये एक कंपनी है, दूध का कंपनी है। यहाँ पे आपका दूध मिल्क का हर प्रोडक्ट बनता है, मिठाई से लेके पैकेट दूध तक। अच्छा है प्रोडक्ट, जस्ट लाइक पुरोबी। इसके बाद हम लोगों को मिलेगा नेली। तो चलिए चलते हैं, चलते रहते हैं, हम लोग का काम ही है चलना। कोई रोज़ वाला दो बात, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी को इसका ज़रूरत हो सकता है। अगर आपने शेयर कर दिया तो किसी का भला हो सकता है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए नहीं हो तो मतलब हम लोग का सब्सक्राइबर हो, तो आप लोगों को थैंक यू सो मच हम लोग का मेरे साथ देने के लिए। नेली क्रॉस हो गया, नेली पुलिस स्टेशन पार कर लिया हमने। लोकेशन देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर चैनल में आप लोग चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को थैंक यू सो मच। मेरा 550 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गया है, और आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ ज़रूर देंगे। और नेक्स्ट टाइम दो रिव्यू है मेरे पास, वीडियो बना कर रखा है, आपको अपलोड करना है बस मुझे। एक है आपका एक हेवेल्स का ट्रिमर, और नेक्स्ट है ओहेम का
गिम्बल, वो दोनों वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए, क्योंकि बढ़िया बढ़िया दो अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाला है। एक पार्क छोड़ के आ गए हम लोग, अभी आगे है धर्मतुल। ये जगह का नाम है धर्मतुल, और यहाँ पे मछली, बढ़िया मछली बिकता है। ये नदी से मछली मार लेता है, मार के रोड पे बेच देता है लोग। बढ़िया मछली मिलता है यहाँ पे, एकदम लोकल मछली। आपको जानना होगा थोड़ा मछली के बारे में, नहीं तो ये ठग भी देते हैं ये लोग। मछली मिलता है लेकिन बहुत कम में। मैं तो कभी कभार यहाँ से खरीद लेता हूँ, कम में मिलता है, अच्छा मछली मिलता है। ये सर ओजन में ये थोड़ा हेरा फेरी करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा ही है। गुवाहाटी में जो मछली का दाम है 1000 रुपये, यहाँ पे आपको 400 रुपये में मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत अगर हेरा फेरी करता है तो भी लॉस नहीं है। आप लोगों का अगर कोई दूसरा एक्सपीरियंस है यहाँ का, ये रोड का, तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। आप लोगों का साथ का बहुत ज़रूरत है। अभी सामने रोहा टाउन आने वाला है, उसके बाद रोहा टोल गेट। चलिए देखते हैं ये कौन है भाई, इतना चीर फाड़ के जा रहा है। धीरे जा ले बेटा, धीरे जाने से भी मिलेगा तेरे को। और ये पार्क बना हुआ है, मैं यहाँ पे रुका नहीं कभी, लेकिन एक बार रुक के देखना पड़ेगा है क्या ये चीज। रोहा टाउन मिलने वाला है। रोहा टाउन को क्रॉस करने के बाद ही हम लोग को मिलेगा रोहा टोल गेट। ठीक है, आगे जाते ही हम लोग को रोहा मिल जाएगा। तो रोहा टाउन क्रॉस करके रोहा टोल गेट मिलने से 500 मीटर पहले एक बाएं तरफ एक रोड है, अब वो रोड से गुजरिएगा तो आगे जाके वो टोल गेट क्रॉस करके वो रोड निकलता है, तो आपका 110 रुपये बच जाएगा, या अगर फास्टैग नहीं है तो 250 रुपये। रोहा टाउन मिल गया, थोड़ा आगे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा वाला रोड जाना बहुत ज़रूरी है, कभी कभार बहुत इमरजेंसी भी हो जाता है। ये 500 मीटर का बोर्ड जहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला लेफ्ट साइड रोहा टोल गेट, यहाँ से 20 किलोमीटर है नौगांव टाउन। फास्टैग जब से हुआ है तब से ये थोड़ा आसान हो गया और स्पीड होता है। ये देखिए हो गया, और मेरा पैसा कटा है 110 रुपये। जब मैं रिटर्न होऊंगा तो रिटर्न में मुझे काटेगा 160 रुपीज, अगर मैं सेम डे रिटर्न करता हूँ तो इस बार तो नहीं होगा सेम डे। यहाँ से बाएं तरफ जो रोड है वहाँ से आप जाएंगे तो नौगांव टाउन, या आप ये रोड से जाके आगे एक चौराहा होता है तो वहाँ से भी अगर बाएं तरफ जाओगे तो भी टाउन मिलता है। जब ये होटल वगैरह है, अच्छा अच्छा होटल है, तो यहाँ पे आप लोग खा सकते हो अपना। होटल वगैरह बढ़िया ही है यहाँ पे। सामने हम लोग को अभी मिलेगा चौराहा, वहाँ से आप लामडिंग, दीमापुर, सिलचर, नौगांव टाउन और सीधा वाले से ये आपका पेटपुर, लखीमपुर, जोरहाट, तीनसुकिया सब मिल जाएगा। इस जगह का नाम है बोरघाट। अभी हम लोग को सीधा ही जाना है। और एक बात, हाँ अभी मैं अपना खुद का गाड़ी लेके जा रहा हूँ ना, तो ये गाड़ी से हम लोग जोरहाट नहीं जाएंगे। और आगे मेरा दोस्त का घर है, वहाँ पे मेरा ये गाड़ी छोड़ के दोस्त के पास एक नया जिप्सी है, जो पुलिस वाले यूज़ नहीं करते, वही वाला जिप्सी लेके हम लोग जोरहाट तक जाने वाले हैं। क्योंकि आज तक मैं जिप्सी चलाया नहीं, और चलाने का एक शौक़ है, देखते हैं कैसा लगता है। तो बने रहिएगा साथ
अच्छा लगने वाला है वीडियो, यूनिक वीडियो होगा ये। ये जो देख रहे हो गाड़ी, इसमें जाने वाले हैं हम लोग, ये वाला जिप्सी लेके जाएंगे हम लोग। ड्राइव मैं करूँगा क्योंकि मैं आज तक जिप्सी नहीं चलाया, जिप्सी चलाने का बहुत शौक है, तो इसलिए ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ। और ऐसा वाला गाड़ी आप लोगों को अगर चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप लोग, तो मैं आपको दिला सकता हूँ एकदम, आपका ये नया जैसे बना के दे सकता हूँ, आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मेल आई डी दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे मेल करना अगर आप लोगों को जिप्सी चाहिए तो। नॉर्थ ईस्ट का कहीं पे भी मैं ये जिप्सी सप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। ये एकदम नया है, नया एक्चुअली ये जिप्सी आपका पुराना ही है, ऑक्शन में ख़रीदा हुआ, उसके बाद ये इसको पूरा नया जैसे बनाया हुआ है, पता नहीं चलेगा ये पुराना है या नया है, इतना सुंदर से बनाया हुआ है। आज पहले बार जिप्सी चला रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है, साथ में वीडियो भी कर रहा हूँ। और ये जो दिख रहा है ये 200 साल पुराना गुंबज है, एक मस्जिद का गुंबज, ये पहले रोड के बीच में हुआ करता था। जब रोड बना तो इसको बाहर से लोग लाके, मतलब ऑटो फसाम से लोग लाके इसको हाइड्रोलिक जैक लगा के पीछे ले गया। अभी पहुंचने वाले हैं हम लोग आमोनी, इस सामने आमोनी टाउन। पहले बहुत हरा भरा था, अभी रोड का काम चल रहा है ना, तो सारा टूटा वूटा है। ये आपका मिसा कैंप, मिसा आर्मी कैंप। बहुत बड़ा कैंप है आर्मी का। अभी थोड़ा आगे जाके हम लोग को मिलेगा कोलियाबर पॉइंट। ये मिल गया हम लोग को कोलियाबर पॉइंट, जहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है। तो कोलियाबर पॉइंट में ब्रिज का काम चल रहा है, यहाँ से हम लोग अगर बाएं की तरफ जाएंगे, लेफ्ट लेंगे तो तेजपुर, लखीमपुर, तवांग, अरुणाचल, और सीधे जाएंगे तो काजीरंगा। ये जगह का नाम है छिलघाट, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत छिलघाट ये जगह का नाम है। यहाँ का एक्चुअली आदमी बहुत अच्छा है, इसलिए जगह बहुत साफ है, साफ सुथरा है, दिखने भी खूबसूरत है जगह, ऐसे लगने से रहने से जगह अच्छा लगता है ड्राइव करके, बहुत ही खूबसूरत जगह है। थोड़ा आगे जाके हम लोग को मिलेगा, ये हो गया आपका जोखला बोंडा पॉइंट। तो रात को या दिन को भी जितने भी सुपर नाइट सुपर वगैरह आता है, यहीं पे रुक के खाना वाला खिलाता है, अच्छा जगह है, आप वहाँ पे भी खाना खा सकते हो। और हम लोग जोखला बोंडा क्रॉस करके अभी एंटर करने वाले हैं काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रोड पे। हम लोग लगभग अंदर आ ही चुके हैं, यहाँ पे गांव वगैरह भी बहुत सारा है लोगों का। ये राइट साइड में टी गार्डन, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप वाइल्ड लाइफ का ये जो रोड है यहाँ पे एंटर करोगे तो गाड़ी आपका 20 से नीचे नहीं, 40 से ऊपर नहीं, 40 से ऊपर जाओगे तो आपका फाइन लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आते रहेगा 2000 रुपये का फाइन। और 20 से नीचे आओगे तो भी आपको फाइन लगेगा, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, यहाँ पे आपको खुद को भी बचना है और एनिमल को भी बचा के जाना है। तो यही जगह पे आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत ही सावधान रहना है। अभी तो फिलहाल शायद पानी कम हो गया है तो रोड पे आपको जानवर नहीं दिखेंगे, जब पानी रहता है बारिश के मौसम में तो रोड पे आपको राइनोसोरस, एलिफेंट, हिरन, ये सब कुछ रोड पे आपको दिख जाता है।
नज़ारा बहुत खूबसूरत रहता है तब, लेकिन बहुत ही रिक्सी होता है वो। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाना है, याद रखिएगा स्पीड आपको ट्रैक करना होगा। कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जो न्यूज़ में आया था, तो उसी से पता चला। तो बेचारा एक आदमी तिनसुकिया से या शिवसागर से आ रहा था, तो ये काजीरंगा क्रॉस करते करते उसको 6000 रुपये का फाइन आ गया, मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ गया 6000 रुपये का। वो बोल रहा था मैं स्पीड में नहीं हूँ, लेकिन वो शायद झूठ बोल रहा था या इसको उसको पता नहीं होगा कि वो शायद 40 के ऊपर चला रहा था गाड़ी। तो यहाँ पे आपका 40 के ऊपर जाएंगे तो स्पीड डिटेक्ट होगा और फाइन लगेगा, ये बात का पूरा खास तरीके से ध्यान रखिए। तो गाड़ी गाड़ी हिसाब में है, अभी कोई छोटा गाड़ी में स्पीड अलग है, बड़ा गाड़ी में स्पीड अलग है, स्पीड का भी वो है, आपको जानना है कि आपका गाड़ी क्या है और उसका स्पीड लिमिट क्या है, तो उसी हिसाब से आप चलाइए। और अगर आप सोचेंगे कि मैं 20 में जाऊंगा तो भी नहीं होगा, ये एक आपका व्यू पॉइंट है। तिनसुकिया 284, शिवसागर 158, ये यहाँ से ये हो गया काजीरंगा का वेलकम गेट, अच्छा है दिखने में। अभी सामने हम लोगों को एक मंदिर मिलेगा, काजीरंगा के बीच में, मतलब रोड के बीच में है, बीच में नहीं साइड में ही है मंदिर, वो बहुत पुराना है। मंदिर का नाम है हल्दी बाड़ी बूढ़ी माई मंदिर, चलिए आगे तक दिख जाएगा। यहाँ ये मिल गया हम लोग को राइट साइड में, देखिए ये मंदिर है हल्दी बाड़ी बूढ़ी माई मंदिर, बहुत मान्यता है इसका, हर कोई रुकता है माता तक जाता है। जब आप ये रोड पे गलत चलाओगे तो दाएं बाएं देखोगे बहुत सारा बोर्ड लिखा हुआ होता है, बोर्ड में आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है कि आपको कहाँ पे कितना स्पीड चलाना है, कहाँ पे एनिमल कॉरिडोर है, एनिमल को कहाँ पे बचा के चलना है, खुद को भी बचा के चलना है। और ये देखिए ये जो बीप कर रहा है 21 22, ये वाला चीज़ है, यही आपका स्पीड को ट्रैक करता है और फाइन भी लगाता है ये वाला चीज़। मेरा स्पीड था 22 तो कोई नहीं इशू नहीं, और सामने और एक लाइट दिखेगा दिखेगा वो येलो में बीप कर रहा है, मतलब आप ठीक हो सही हो, अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो वो रेड कलर में बीप करेगा। तो ऐसा वाला बहुत सारा बोर्ड लगा के रखा है रोड पे, आपका रोड के पास पे लगा के रखा है, जो आपको ट्रैक करता रहता है हरदम, आपको पता भी नहीं चलता आपका स्पीड ट्रैक होता है और आपको फाइन भी लग जाता है। तो थोड़ा सावधान होकर चलिए, अपने आप को काबू करके चलिए। ये काजीरंगा नेशनल पार्क का वेलकम गेट, एक्चुअली अभी हम लोग को मेन गेट मिलने वाला है थोड़ा आगे यहाँ का ये काजीरंगा का एंट्रेंस मिलेगा, ये कोहरा रेंज है, ये वाला लेफ्ट साइड में एंट्रेंस है, पार्किंग वगैरह होटल जो भी जितना भी ये चाहिए आपको यही जगह पे मिल जाएगा, होटल वगैरह तो भरमार है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह है। ट्रैकिंग, जीप सफारी, एलिफेंट सफारी सब कुछ कर सकते हो आप उसके अंदर, मतलब काजीरंगा के अंदर। हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं बुकाघाट, ये है बुकाघाट टाउन, काजीरंगा के जस्ट बाद ही बुकाघाट टाउन मिलता है। और यहाँ का फेमस है, बुकाघाट का फेमस है पेरा, पेरा एक वन टाइप ऑफ मिठाई है, ये शायद आप लोग जानते हो मिठाई पेरा, ये असम का सबसे फेमस पेरा यहीं पे बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। गाइस कभी अगर इस तरफ आना हो तो यहाँ का पेड़ा ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। कुछ दिन पहले मैं ख़रीदा था तो इसका दाम था 400 रुपीज़ किलो, अभी शायद ज़्यादा हो या कम हो मुझे मालूम नहीं, तो ट्राई कर सकते हो आप लोग। थोड़ा आगे जाके हम लोग को मिलने वाला है नुमोलीगढ़, जहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो जोरहाट तिनसुकिया ये सब तो है ही, अगर राइट साइड में जाएंगे तो डीमापुर का रास्ता है नुमोलीगढ़, NRL जो रिफाइनरी है
एनआरएल रिफाइनरी ये नुमलीगढ़ में ही है, एनआरएल मतलब नुमलीगढ़ रिफाइनरी, तो यहीं पे है। ये बाज़ार क्रॉस करके थोड़ा जाने के टाइम आगे ही हम लोग को मिल जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये वाला पहुँचे। यहाँ से राइट अगर आप लेंगे तो डिमापुर, बोकाजान, उसके बाद आपका गोलाघाट, ये सब मिल जाएगा आप लोग को। सोरू पठार, बर पठार, ये सब है। थोड़ा आगे यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, नया ब्रिज बना रहा है। एक्चुअली यहाँ पे टैंकर वगैरह, ऑयल का टैंकर बहुत निकलता है, तो इसलिए शायद ब्रिज बना रहा है। ये रोड के लेफ्ट और राइट में आपका टी गार्डन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और सामने हम लोगों को अभी मिलेगा, ये नया करके बना रहा है आपका ये टोल गेट, और एक टोल गेट बना रहा है यहाँ पे। यही तो गंदा काम है, रोड का हालत ठीक नहीं है, टोल गेट के ऊपर टोल गेट बना रहा है। और सामने अभी हम लोगों को मिलेगा देर गाँव, चलिए चलते हैं। अभी हम लोग देरगांव टाउन पहुंच चुके हैं और यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर है जोरहाट टाउन, तो रास्ता करीब करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ज़्यादा है नहीं रास्ता। तो चलिए आखिरकार ये 20 से 25 किलोमीटर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। जो भी आपका दिल में है कमेंट भी कर दे, कोई सवाल कोई सुझाव आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि घर बैठे ही आपको मैं ऐसे ऐसे नए जगह के वीडियो दिखाता हूँ, नए जगह से आपको रूबरू कराता हूँ, जो घर बैठे ही आप ये जगह का लुत्फ़ उठा सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपको जगह के बारे में मिल जाएगा। तो इसलिए गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो सीधे सीधे सबसे पहले आपको पहुँचे और आप उसका आनंद ले सकें। तो नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। देरगांव क्रॉस कर लिया हम लोग, अभी थोड़ा आगे जाते ही हम लोग को मिल जाएगा जोरहाट। जोरहाट सिटी भी बहुत सुंदर है, क्लीन है, लोग बड़े तहजीब वाले हैं। ये सामने जाते ही हम लोग को मिलेगा ये वाला है, यहीं से थोड़ा आगे सीधा ही जाना है, मैंने थोड़ा रोक लिया था, एक्चुअली रास्ता थोड़ा ख़राब था, थोड़ा जस्ट वहाँ पे आपका पीस नहीं बना है। और ये जिप्सी का एक्सपीरियंस बताऊँ तो बढ़िया है, अच्छा लगता है चलाने में, सामने बढ़िया दिखता है, बैठने में भी ठीक है। और पहला बात है कि एक मेन बात है कि आप जब रास्ते में लेके निकलते हो तो लोग मुरमुर के देखते हैं, अच्छा लगता है वो एक्सपीरियंस, हर कोई मुरमुर के देखेगा, आप हॉर्न लगाओगे तो हर कोई साइड दे देगा। और ये है जोरहाट ISBT, यहाँ पे बस टर्मिनस है ये, और आगे जाके हम लोग को मिल जाएगा बोरुआ चारियली। बोरुआ चारियली मिलते ही हम लोग का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम लोग। ये जगह का नाम है तोराजान, जोरहाट तोराजान, और सामने है बोरुआ चारियली। और संडे है इसलिए पूरा जगह बंद है, दुकान वगैरह बंद है, ट्रैफिक भी नहीं है आज संडे की वजह से, अच्छा जगह है। तो बोरुआ चारियली हम लोग को मिल गया बोरुआ चारियली, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू सो मच।